तो ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज टू फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 18 है। होपफुली आपने क्वेश्चन नंबर 17 को पहले अटेम्प्ट कर लिया है। तो बच्चों हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले रेंज के लिए आपको सिखाया गया है बेसिक मेथड ये है कि आप इसको एफ एक्स की जगह वाई प्लेस करते हैं, फिर आप इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर बच्चों होंगे इसके एक्स माइनस सिक्स, एक्स प्लस वन। एक बार जरा चेक करिएगा, एक्स प्लस सिक्स, एक्स माइनस वन, ये बच्चों उसके फैक्टर होंगे, क्योंकि सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स हो जाएगा और सिक्स माइनस वन प्लस फाइव हो जाएगा। वंस अगेन, एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस वन, ये बच्चों उसके फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर हो जाएगा और फोर माइनस वन प्लस थ्री हो जाएगा। होपफुली ये आपको ट्रिक पता है जल्दी से फैक्टर करने की। बच्चों अगर हम यहाँ पे इसकी डोमेन निकालने की चर्चा करते हैं, तो डोमेन में आप क्या कहोगे? आप कहोगे डोमेन में जो है एक्स क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, उसमें से आप क्या हटाओगे? मेरे ख्याल से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स, उसमें से आपको माइनस फोर और वन को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये क्लियर कट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बच्चों ये हो गया हमारा फंक्शन। तो जब हम बच्चों इसको डोमेन कहेंगे तो ये डोमेन हमारी निकल के आ गई, और जब हम रेंज कहेंगे तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमें ये दिख रहा है कि यार सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फोर। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो बच्चों हम ये पहले ही से देख चुके हैं कि एक्स इक्वल टू वन पर और एक्स इक्वल टू माइनस फोर पर ये अपनी वैल्यूज नहीं देता है। तो सबसे पहले हम इस जो प्रॉपर मेथड होता है उससे हम रेंज निकाल लेते हैं। तो ये हो गया वाई एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। अब ये बच्चों हो जाएगा दिस बिकम्स वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर वाई। क्लियर है सबको? एक्स टाइम्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स माइनस फोर वाई। तो बच्चों यहां से एक्स क्या आएगा, सिक्स माइनस फोर वाई अपॉन वाई माइनस वन। ये तो हो गया। तो यहां से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि y सारी वैल्यूज ले लेगा एक्सेप्ट वन, यानी रेंज में वन वैल्यू शामिल नहीं होगी। इसके अलावा आपने जो अपना फंक्शन लिखा है x इक्वल टू वन पर भी वो डिफाइंड नहीं है, तो x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू जरा निकाल दीजिए। तो y आपकी जो रेंज है वो ले जाए सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट y, वन नहीं हो सकता। और जरा y इक्वल टू वन पर जरा ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू वन पर, क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन भी है आपकी डोमेन में, जरा आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू वन जरा जो है इस फंक्शन में पुट करिए x इक्वल टू वन, तो भी y की वैल्यू आपके पास आएगी, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है क्योंकि x इक्वल टू वन भी आपने नहीं लिया है। तो जब आप x इक्वल टू वन इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन बाय फाइव। तो ये हो गई बच्चों अभी जो मैंने आपको रेंज निकाल करके दी है, ये एक बेसिक लेवल पे निकाल के दिया, इसको हम लोग कहेंगे मेथड नंबर वन। ठीक है, अभी जो आपने रेंज निकाली है दिस इज कॉल्ड मेथड नंबर वन। अब बच्चों अगर आप इस रेंज की ग्राफिकल एनालिसिस भी करेंगे तो आप उसको डाल दीजिए मेथड नंबर टू। तो मेथड नंबर टू क्या कहेगा? मेथड नंबर टू ये कहेगा कि जो आपका फंक्शन है बेसिकली वो है सिंप्लीफाई करने पर एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फोर। सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस फोर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर। जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो बन जाएगा वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस फोर। अब इसको वाई इक्वल टू वन बाय एक्स से कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस फोर। अब बच्चों हम इस ग्राफ को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको लाइंस की नीड पड़ेगी। एक होगी एक्स इक्वल टू माइनस फोर, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये हो गया नाम एक्स इक्वल टू माइनस फोर, इसका नाम है x इक्वल टू माइनस फोर। और दूसरी लाइन है y इक्वल टू वन, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, y इज इक्वल टू वन, ये भी आपने बना दी। यानी कि ये आपका ग्राफ जो है ये उसका सेंटर हो गया, द सेंटर इज माइनस फोर कॉमा वन। ठीक है, अब हम जल्दी से इसमें यानी कि ये जो आपका ग्राफ है इसमें x इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं कि x इक्वल टू जीरो डालने पर ये ग्राफ अपनी वैल्यू क्या दे रहा है। y माइनस वन इज इक्वल टू टू बाई फोर, दैट इज वन बाई टू, यानी y इज इक्वल टू थ्री बाई टू, यानी x इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू थ्री बाई टू आ रही है। तो जीरो पर y की वैल्यू थ्री बाई टू, यानी कि वन तो बच्चों यही हो गई, थ्री बाई टू यहां पर कहीं होगा, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं।
और तो ये बच्चों ये आपका ओरिजिन है, इसको आप ओरिजिन ही लिख लीजिए। तो एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू 3/2, तो ये आपका पॉइंट हो गया 0,3/2। अब बच्चों आपकी डोमेन में क्या क्या नहीं था, एक्स इक्वल टू 1 नहीं था और एक्स इक्वल टू -4 भी नहीं था, जरा आप हमको बताएंगे कि यहां पर और कौन सा पॉइंट बन रहा है। तो कौन सा पॉइंट आपने निकाला था जो उसकी रेंज में नहीं है, वो है 7/5। क्या है, जब आप इसमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 7/5, तो एक्स इक्वल टू 1 यहां पर कहीं होगा और 7/5 यहां पर कहीं होगा। तो जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से ये निकल करके जाएगा। मेरे ख्याल से ग्राफ सबको क्लियर हो गया। तो एक्स इक्वल टू 1 पर जो भी आपने वाई की वैल्यू लिया 7/5, उसको आप कट कर देंगे धीरे से, क्योंकि वो इसकी डोमेन में नहीं है एक्स इक्वल टू 1, तो ये वाई इक्वल टू 7/5 नहीं लेगा, एज वेल एज ये वाई की एक और वैल्यू नहीं ले रहा है, जैसे 7/5 था और एक 1 था, तो 1 भी यहाँ पे ये वैल्यू नहीं ले रहा है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी डोमेन और रेंज की चर्चा यहीं से कर लेता हूं। तो बच्चों डोमेन आपने वैसे क्या निकाली थी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 और 1, तो सारे रियल नंबर्स है -4 पे, यानी -4 प्लस करेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे और -4 माइनस करेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, तो -4 प्लस पर इसकी वैल्यू है +∞ और -4 माइनस पर इसकी वैल्यू है -∞, तो ये -4 पे डिफाइन नहीं है। और बच्चों कौन सा पॉइंट था, 1 था, तो एक्स इक्वल टू 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू 7/5 है, वहां पे भी बच्चों ये डिफाइंड नहीं है, वहां पे हमने क्रॉस कर दिया है, तो उसकी डोमेन यहां से क्लियर है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4 एंड 1। अब बच्चों हम रेंज निकालेंगे फंक्शंस की, ऑल रियल नंबर्स में से क्या माइनस करना है ये आपको ग्राफ से दिख रहा होगा। एक्स इक्वल टू 1 पर वाई की वैल्यू 7/5 है, वो आप हटा देंगे, और जो उसकी रेंज है उसमें 7/5 नहीं है और 1 नहीं है, जरा 1 क्यों नहीं है वो भी अब आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 प्लस ऊपर जाएंगे और 1 माइनस नीचे करेंगे तो y की वैल्यू अलग अलग आ रही है, 1 प्लस यानी ऊपर और 1 माइनस यानी कि नीचे, तो बच्चों जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो आपको y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को टैंड करती हुई नजर आएगी। या देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया 1 प्लस, तो 1 प्लस में जाएंगे तो ये ग्राफ क्या करेगा, अपनी वैल्यू लेगा उस तरफ जाकर के सबसे राइट में, और यहां पर जब आप 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू अपनी लेगा सबसे ज्यादा लेफ्ट में। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रही है, ग्राफ से ये बात क्लियर भी है कि ये 1 पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1 पर उसकी एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पर ग्राफ राइट में जा रहा है, उधर पे ग्राफ लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो यानी एक्स की वैल्यू उधर जा रही है प्लस इंफिनिटी और उधर जा रही है माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये बात हम लोग ने ग्राफिकल अप्रोच से भी देखी और एज वेल एज इस बात को हम लोग ने समझने के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड भी यूज किया। तो ये 2 मेथड से मैंने ग्राफ की आपको पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस कर दी है। थैंक यू।